हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शीला का किचन। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस प्याज कचौरी, जो क्रिस्पी भी होगी, थोड़ा खट्टी मीठी भी होगी। और कचौरी आपने बहुत तरह की खाई होंगी, आलू की, दाल की, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी होती है। और ये मैंने बनाई है और इसे मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी क्रिस्पी बनी है ये। और ये देखिए, और इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये मसाले लिए हैं, और कसूरी मेथी, धनिया, सौंफ, जीरा, और ये मैंने लिए हैं इस चम्मच से नाप के। इस चम्मच से ही नापेंगे सारे मसाले। और ये मैंने दो दो चम्मच लिए हैं सभी चीज़ें, और थोड़ी सी मैंने ली है काली मिर्च। और इन सभी को हमने साबुत मसाले इसलिए लिए हैं ताकि मिक्सी में इनको हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि अगर पिसा हुआ मसाला लेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर आता है। और ये इस तरह से पिस गया है, और ये मैंने इसमें उसी चम्मच से नाप के, जिस चम्मच से मैंने ये, इस चम्मच से नाप के ही मैंने तेल डाला है। और तेल मैंने 3 चम्मच डाले हैं, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और काफ़ी गर्म हो गया है। और ये मैंने 6-7 लहसुन के फांके बारीक बारीक काटी थी, इनको थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा पकाना है इनको। और अब ये मसाले डाल देंगे जो हमने पीसे थे, और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको सिर्फ 1-1.5 मिनट पकाएंगे, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं सेकेंगे, क्योंकि ये बाद में भी सिकेगा। और ये काफ़ी अच्छे से सिक गया है। और ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, और इसको इसके ही साथ भून लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ये, इतना चलाएंगे इसको। और अब मैं डाल दूंगी हरी मिर्च, और ये मैंने 2 हरी मिर्च काटी थी, और इसको भी इसी के साथ पका लेंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी 5 चम्मच बेसन, और बेसन को भी इसे हमें 1.5-2 मिनट पकाना है, इसमें खूब अच्छे से सेक लेंगे इसे। और ये मैंने आलू बॉईल किए थे, मीडियम साइज के आलू 4 पीस लिए हैं मैंने ये, और इनको बॉईल कर लिया था, और इनको मैश कर लेंगे, और खूब अच्छे से करेंगे, इसमें डलिया नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जब ये हम कचौरी को भरेंगे तो थोड़ा सा भरना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल मैश करके तब इसमें मसाले के साथ भून लेंगे। और गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर रखा है, और ये आलू भी इसमें मिक्स हो गया है। और अब मैं डाल दूंगी 1 चम्मच काला नमक, और 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ अमचूर, और 1 ही चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और इन सभी को मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी सी 1/2 चम्मच के करीब मैंने डाली है चीनी। चीनी ज़्यादा ना डालें, नहीं तो मीठा मीठा हो जाएगा। 1/2 चम्मच डालेंगे तो बैलेंस बिल्कुल बराबर रहेगा इसका टेस्ट का। और ये बेसन और आलू से थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी रहेगी इस मसाले की। और अब मैंने जो एक और प्याज काटा था उसको भी इसमें डाल दूंगी, और गैस को मैंने अब बंद कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा कच्चा रहेगा तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, और ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। और अब मैं इसको बाउल बना लेंगे इसकी, और ऐसे ही बाउल बना लेंगे। और ये हमें क्या है, कचौरी में जब स्टफिंग करेंगे तो ये अच्छे से पैक हो जाएगी, इसलिए पहले बाउल बना लें। सीधे भरेंगे तो उतने अच्छे से नहीं होगी,
और ये मैंने मैदा लिया है। मैदे में मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ क्योंकि कचौरी हैवी होती है, इसलिए अजवाइन से थोड़ा सा ठीक रहेगा। और ये मैं मोयन के लिए तेल लिया है मैंने, रिफाइंड ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और ये मैदा मैंने लिया था 3.5 कटोरी, कटोरी का एक ही नाप है, कोई भी आप कप से ले रहे हैं या कटोरी से, 3.5 कटोरी लिया है मैंने। और एक कटोरी इसमें मैंने तेल डाला है उसी कटोरी से नाप के जिससे मैंने मैदा नापा है। और ये अच्छे से जब इसका ऐसे बंधने लग जाए ये मैदा, तो पानी से गूंथ लेंगे। और इसका हमें टाइट नहीं लगाना है मैदा, बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना रोटी के लिए, इस तरह का मैदा। और ये चिपक रहा है अभी, जब ये चिपकना बंद हो जाएगा तब हमारा मैदा अच्छे से गुथा हुआ रहेगा, इसलिए इसको खूब अच्छे से करें। और ये काफी अच्छे से गूंथ लिया है, और अब इस तरह से फैला लेंगे इसको पूरी थाली में। जब ये फैल जाए तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें इस ऐसे गहराई करके पानी डाल देंगे, और पानी हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, एक छिटकना सा है थोड़ा सा, नहीं तो ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा। और इसको मैं 15 मिनट के लिए कम से कम रख दूंगी ढक के, और इसे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, मैं स्किप करके दिखा रही हूँ। और इसको हम दोबारा से गूंथ लेंगे और खूब अच्छे से गूंथना है इसे, ताकि हमारी कचौरियाँ ज़्यादा बिल्कुल फुली फुली बने। और कम से कम इसे 5-6 मिनट और गूंथेंगे दोबारा से। और आटा जब तक अच्छा लगा रहेगा ये, तभी ज़्यादा अच्छे से बनेगी। और ये काफ़ी सॉफ्ट भी बन गया है, बिल्कुल इस तरह से देखिए, लाइनिंग बिल्कुल नहीं है। और अब हम इसके बाउल बना लेंगे, और इस तरह से गोले एक ही साइज़ के सब बना करके रख देंगे, और इसको इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे। आप चकले बेलन में भी कर सकते हैं, और जैसे ये हाथ से रोटी बनाते हैं ना, इस तरह से अंगूठे से प्रेस करेंगे साइडों से, बिल्कुल पतली रोटी की तरह बना लेंगे इसको, और ये बीच में से मोटा ना रहे, बिल्कुल पतला कर देंगे, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से बरोबर होना चाहिए। और अब ये इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से इसको अच्छे से पैक कर देंगे। और पैक बिल्कुल अच्छे से करना है, और इस तरह दबा देंगे इसको, और फिर से जैसे हमने रोटी का गोला बनाते हैं इस तरह से कर लेंगे। और सारे ही मैं इसी तरह से बना लूंगी। और ये बना लिए हैं हमने, और ये साइड से है ना, ये जो गोला हमने भरा था उसके बाद इस तरह से प्रेस करेंगे अंगूठे से, ताकि ये फूले जिस टाइम हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी। और ये मैंने सिर्फ गैस को मैंने हाई फ्लेम पे कर रखा है, और सिर्फ इसे 10-12 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और इसको निकाल देंगे। ज़्यादा अच्छे से फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे, और ये कच्ची निकाल देंगे। जैसे ये इसके ऊपर थोड़ा बबल्स से बन गए ना, इस तरह से ही निकाल देंगे इसको बाहर, और साइडों से इसी तरह से करेंगे ताकि ये फूले बाद में। और बस इसको 10-12 सेकंड के बाद ही, 10 सेकंड से ज़्यादा ना करें, बस इस तरह से इसको बाहर निकाल देंगे। और ये सभी मैंने निकाल ली हैं, और ये काफ़ी ठंडी हो गई हैं। 5 मिनट इसको रहने दिया था, और तेल को भी मैंने गैस बंद कर दी थी। और ये अब मैं बिल्कुल गैस को लो फ्लेम पे कर रखा है मैंने, और अब इनको एक एक करके डाल देंगे। इससे क्या होगा, एक तो ये खुलेगी नहीं, अगर थोड़ा बहुत कहीं से खुल रही है तो ये मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, पूरी तरह से खुलेगी नहीं,
पैक की पैक रहेगी और करारी भी तभी बनेगी ये। और इस तरह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा गैस, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे कर रखी है। और इस तरह से इसको पलट लेंगे और ये काफ़ी अच्छे से फूल भी रही हैं, क्योंकि ये फूलना और करारापन तभी आएगा जब हम इसको इस तरह से गैस को बाद में लो फ्लेम पे करके सेकेंगे। ये बिल्कुल बन गई है और ये मैं दिखा रही हूँ। टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लेकिन बहुत अच्छी बनी है ये। और बस इसी तरह से इनको निकाल लेंगे। और बस इसी तरह से हमें दूसरी भी करनी है। और गैस को मैंने लो फ्लेम पे ही कर रखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे गैस को, जिससे इनमें एक तो करारापन आ जाएगा और एक ये जो थोड़ा बहुत दिख रही है ना ये खुली हुई, ये पूरी तरह से नहीं खुलती, ये पैक ही रहेंगी। तो ये करारी क्रिस्पी हमारी कचौरियाँ बन गई हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।